नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M2 Pro वर्सेस Poco M4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M2 Pro में 6.52 इंच जबकि M4 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco M2 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco M2 Pro में 3.02 इंच जबकि M4 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M2 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M2 Pro में 209 ग्राम जबकि M4 5G में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M2 Pro में 6.67 इंचेस जबकि M4 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M2 Pro में 84.62% जबकि M4 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M2 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M4 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M2 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M4 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M2 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M4 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M2 Pro में Adreno 618 जबकि M4 5G में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M2 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G और M4 5G में MediaTek Dimensity 700 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M2 Pro में Android V10 क्यू जबकि M4 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें M4 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M2 Pro में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco M4 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में M4 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Poco M2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Vivo Y12s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।